नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी पिछले दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार था। इस चक्कर में मैं कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बोला है कि यस बैंक के लिए थोड़ा आप प्रिडिक्शन वगैरह और यस बैंक के शेयर के कुछ रिव्यूज़ के बारे में बताइए। तो हालांकि मेरी अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, फिर भी मैं इसमें यस बैंक के लिए आप लोगों को डिटेलिंग करने के लिए तैयार हुआ हूँ, और मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और यस बैंक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, करीब करीब 14 डेज़ का मैं प्रेडिक्शन भी आपको देने वाला हूं। साथ के साथ कंपनी क्या कर रही है, बैंक क्या कर रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लीजिए। और ये वीडियो मैं आपको ऑन डिमांड बना रहा हूँ। आप देखेंगे कि यस बैंक के अंदर पिछले कुछ टाइम में मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ है, उन्होंने मैनेजमेंट को बदला है, बैंक ने अपने मैनेजमेंट को चेंज किया है, और चेंज करने के बाद में इनके प्रदर्शन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। हालांकि बैंक पिछले कुछ सालों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो बैंक डूबने के कगार पर ही था। अब शेयर मार्केट की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में भी देखेंगे तो बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिख नहीं रहा है। अभी नए मैनेजमेंट ने आकर के भी यस बैंक के बिजनेस को पटरी पर लाने की कोशिश की है, और पिछले कुछ तिमाही का रिजल्ट भी देखेंगे तो नुकसान को धीरे धीरे बहुत ही अच्छे मुनाफे में पेश करने की कोशिश बैंक करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नए मैनेजमेंट ने यस बैंक के प्रदर्शन को सुधारने के लिए लगातार नए रणनीति के तहत काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से उम्मीद भी बन रही है कि आने वाले टाइम में बैंक की रिजल्ट जो है एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को आपको मिल सकती है। जिस तरीके से बैंक अपने प्रदर्शन में सुधार करता जाएगा तो बैंक में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, साथ के साथ शेयर प्राइस में भी उसी के अनुसार बढ़त देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूंगा कि बैंक के प्रदर्शन में अगर सुधार हो रहा है तो यस बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2023 में क्या रहने वाले हैं, और आज ये टोटल वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ 2023 में ये कैसा रहने वाला है, सिर्फ हम इसी की ही बात करेंगे, और ज़्यादा डिटेलिंग में और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन चल रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, पिछले कुछ वीक से बड़ा मार्केट डाउन चल रहा है। मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे अभी भी बुखार है, 102 टेम्परेचर मुझे है, और मेरी नोज़ में भी इन्फेक्शन हो गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड कलर का दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली मुझे इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, और मुझे खांसी भी हुई थी, साथ के साथ मुझे बुखार 102 चल रहा है। बुखार अभी डे बाई डे थोड़ा कम हो रहा है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, लेकिन मार्केट पर नज़र तो मैं बनाए हुए रखे हूँ। हालांकि मैं बिजनेस और अपने काम को लेकर के बिल्कुल छुट्टी पर चल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक तक मैं शायद मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसलिए मेरे थोड़ा सा दुआ करेंगे कि जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो सके। आप बात की मैं बात कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, हम बात करेंगे 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी के दिन का अगर मार्केट में रहेगा तो यस बैंक का क्या रहने वाला है, मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम प्राइस ही बताऊंगा, ये आप नोट भी कर सकते हैं, और जो नोट करेंगे आप देखेंगे कि आपको वो प्राइस ही मिलने वाला है, और उसके हिसाब से आप अपना आगे देखेंगे किस तरह का आप प्लान कर सकते हैं। तो यस बैंक का 26 जनवरी का अगर मैक्सिमम देखेंगे शेयर प्राइस ट्रेड करने वाला है तो वो 19 रुपये 20 पैसे तक मैक्सिमम करेगा, 19 रुपये 20 पैसे 26 जनवरी का। ये मेरा आपके लिए एक सुझाव भी है, 19 रुपये 20 पैसे में 26 जनवरी को आप देखेंगे कि मैक्सिमम ये ट्रेड करने वाला है। और बात करेंगे 27 जनवरी की, 27 जनवरी को भी 19 रुपये 20 पैसे से लेकर 19 रुपये 30 पैसे पर ये ट्रेड करेगा, और बात करेंगे उसके बाद में फिर छुट्टियां पड़ेंगी, छुट्टी पड़ने के बाद में नेक्स्ट वीक आएगा, तो 30 जनवरी की जब बात करेंगे 30 जनवरी को आप देखेंगे फिर से ये डाउन आने वाला है, यानी कि आपको 18 रुपये 80 पैसे 18 रुपये 70 पैसे पर ये आपको ट्रेड करने वाला है। ये बात कर रहे हैं 30 जनवरी की, और साथ के साथ अगर आप 31 जनवरी का भी सोचना चाह रहे हैं या देखना चाहते हैं, चाहे आप उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे तो आपको एकदम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल जो बता रहा हूँ वैसे ही मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है मैं जो करता हूँ वो टेक्निकल फंडामेंटली ये सब एनालिसिस करने के बाद ही एक रिपोर्ट बनाते हैं, और उसके बाद ही आपसे शेयर करते हैं। हम बात करेंगे 31 जनवरी की, 31 जनवरी को भी 18 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, हाईएस्ट में बता रहा हूँ मैक्सिमम कितना रहने वाला है, तो 18 रुपये 90 पैसे रहेगा। बात करते हैं 1 फरवरी की, 1 फरवरी 2023 में, 1 फरवरी 2023 की मैं बात करूंगा तो ये फिर से 18 रुपये 90 पैसे ही रहने वाला है मैक्सिमम में, और डाउन ही जाएगा, उसके बाद में 18 रुपये 90 पैसे हाईएस्ट रहने वाला है। 2 फरवरी की बात करेंगे तो ये 18 रुपये 80 पैसे जाएगा, 3 फरवरी की बात करेंगे तो 18 रुपये 80 पैसे 85 पैसे पर ट्रेड करने वाला है।
और 6 फरवरी, उससे अगले सप्ताह की बात करेंगे, 6 फरवरी को मार्केट ओपन होगा, मंडे का दिन होगा, तो 6 फरवरी को आप देखेंगे तो उसमें भी ये आपको 18 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करने वाला है। साथ के साथ में 7 फरवरी की मैं बात करता हूँ, तो 7 फरवरी 2023 को भी ये 18 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की बात करेंगे तो यस बैंक का जो प्राइस टारगेट जो 14 डेज का है, सॉरी, जैसा मैंने बताया मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं ये बना रहा हूँ तो आप देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँगा कि यस बैंक के प्राइस टारगेट 14 डेज का जो कि मैंने आपको बताया है, तो अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में ये 19 रुपये 30 पैसे के आसपास रहने वाला है, और डाउन साइड की बात करेंगे तो 16 रुपये 33 पैसे या 16 रुपये 35 पैसे के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप बताएंगे और कमेंट में मुझे लिखे, साथ के साथ मुझे बताएं कि इस टॉपिक पर नई वीडियो बनानी है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो उसमें भी एक नई वीडियो बना करके कोशिश करेंगे। और जल्दी ही मेरी अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो डेली भी एक वीडियो मैं बना करके अपलोड करता रहूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला है कि और भी बहुत सारे टॉपिक भी दिए हैं, लेकिन मैं सभी पर अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले सप्ताह में मैं बिल्कुल दुरुस्त होने वाला हूँ, और उसके बाद आपको डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय, शाबा खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप उसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो जिससे आपको डेट वाइज उसके जो भी मैंने प्रेडिक्शन आपको दिए हैं इस बैंक के, तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, सब आबाद रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से रहें, खूब मुनाफा कमाएं, नमस्कार।